तो नमस्कार दोस्तों, आज मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड कंपनी ने अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट को पब्लिश कर दिया है। उन्हें आप देखें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स कंपनी के आए हैं। कंपनी के रिवेन्यू में भी इंक्रीमेंट आया है और साथ कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। दूसरा, कंपनी ने अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए ₹90 पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। और साथ साथ इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि इन रिजल्ट्स को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए, कि अगर हमने ऑलरेडी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो हमें क्या करना चाहिए इन रिजल्ट्स को देख करके, और अगर हम अपना पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो क्या हम एंट्री ले सकते हैं या नहीं। और अब हम सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के रिजल्ट के डेटा के बारे में, और सबसे पहले चेक करते हैं कंपनी के रिवेन्यू। और इस क्वार्टर में कंपनी के रिवेन्यू आए हैं ₹32,060 करोड़, जबकि पिछले क्वार्टर में ₹29,058 करोड़ थे, और पिछले साल के मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी के रिवेन्यू ₹26,749 करोड़ थे। यहाँ पर देखें तो क्वार्टर क्वार्टर के बेसिस पे कंपनी के रिवेन्यू 10% से इंक्रीज हुए हैं, और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी के रेवेन्यू 20% से इंक्रीज हुए हैं। तो दोनों ही पैरामीटर के हिसाब से कंपनी के रेवेन्यू में यहाँ पे ग्रोथ आई है। उसका अगर बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है ₹3,352 करोड़, जबकि पिछले क्वार्टर में ₹2,837 करोड़ था, और पिछले साल के मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ₹2,429 करोड़ था। यहाँ पर हम देखें तो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 18% से इंक्रीज हुआ है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 38% से इंक्रीज हुआ है। उसके बाद बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो लगभग सेम से ही कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 10% 10%, और पिछले साल में जो है वो 9% के हिसाब से। उसके बाद बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट आया है ₹2,671 करोड़, जबकि पिछले क्वार्टर में ₹2,392 करोड़ था, और पिछले साल के मार्च 2022 क्वार्टर की बात करें तो उसमें कंपनी का नेट प्रॉफिट 1,876 करोड़ था। यहाँ पर देखें तो क्वार्टर क्वार्टर के बेसिस पे कंपनी का नेट प्रॉफिट 12% से इंक्रीज हुआ है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का नेट प्रॉफिट बहुत ही अच्छा 42% के नंबर से इंक्रीज हुआ है। उसके बाद चेक करें कंपनी के अर्निंग पर शेयर का डेटा, तो इस क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर आ रही है ₹88.41 की, जबकि पिछले क्वार्टर में ₹79.17 पर इक्विटी शेयर थी, और पिछले साल के मार्च 2022 क्वार्टर में ₹62.10 की कंपनी की अर्निंग पर शेयर थी। और यहाँ पर देखें तो 12% से इंक्रीज हुई है कंपनी की अर्निंग पर शेयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे, और ईयर ऑन ईयर बेस पे 42% से इंक्रीज हुए। तो जैसे मैंने बात की शुरू में, वैसे ही रिजल्ट्स हैं, काफ़ी अच्छे नंबर्स कंपनी के आए हैं, कंपनी का रिवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हुए हैं। और अब हम बात करते हैं कंपनी के शेयर प्राइस की, और साथ साथ कंपनी की वैल्यूएशन की, कि आज के डेट में कंपनी अंडर वैल्यूएशन में है या फिर ओवर वैल्यूड है। और यहाँ देखें तो आज की डेट का कंपनी का शेयर प्राइस आ रहा है ₹8,507 का, और कंपनी का जो शेयर है वो उसका प्राइस बाय अर्निंग रेशियो आ रहा है 31 का। और इस शेयर प्राइस से बात करें तो कंपनी हाईली ओवर वैल्यूड कंपनी है। जैसा सब लोग जानते हैं, मारुति सुजुकी नंबर वन कंपनी है इंडिया की, सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बिकती हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी और सब चीज़ें मैनेज करती है, तो बिजनेस अच्छा है, तो इसलिए लोग भी ज़्यादा पैसा अपना कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, और इसी वजह से कंपनी ज़्यादातर जो है वो ओवर वैल्यूएशन में रहती है। उसके बाद इसको कंपनी को हमने डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस हिसाब से भी जज किया है, कि कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है उसके हिसाब से कितनी वैल्यू बनती है। तो उस हिसाब से देखें तो कंपनी 4 गुने प्राइस पे ट्रेड कर रही है, यानी कंपनी की जितनी एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए उससे 4 गुना शेयर प्राइस चल रहा है आज के डेट में डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस हिसाब से। तो हिसाब से देखें तो प्राइस बाई अर्निंग रेशियो के हिसाब से भी और डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस हिसाब से भी, दोनों हिसाब से कंपनी एक ओवर वैल्यूड कंपनी है। तो इस हिसाब से हम बात करें तो अगर आपने ऑलरेडी अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है कंपनी में, तो आप देख रहे हो कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा रन कर रहा है, सब चीज़ें ठीक चल रही है, प्रॉफिट बढ़िया है, तो बिल्कुल हमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए, कोई पॉइंट ही नहीं है बेचने का। उसके अलावा अगर हम नया पैसा अपना इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं कंपनी में, तो आप देख रहे हो कंपनी हाईली ओवर वैल्यूड है, और मेरे हिसाब से नया पैसा इन्वेस्ट करने पर हमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क हो सकता है, क्योंकि प्राइस बाय अर्निंग रेशियो काफ़ी हाई है, और अगर कोई भी दिक्कत कल को होती है, जैसे बात हो रही है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ रहे हैं उसके हिसाब से दिक्कत कंपनियों को काफ़ी पड़ रही है कि कॉम्पिटिशन पड़ रहा है, तो उस हिसाब से देखें तो फ्यूचर में हो सकता है प्राइस कम हो जाए, तो इसलिए नया पैसा अभी मेरे हिसाब से इन्वेस्ट करना ठीक नहीं है। तो इस तरह से आज के रिजल्ट के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू सो मच।